इस पर प्रेस जरूर क्या करें ताकि हमारी आने वाले हर वीडियो आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। तो व्यूअर्स आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है, तो आप देख रहे हैं इन्होंने धरना लगा कर कल पार्टी करनी है। हमी माने ना माने हमने कल पार्टी करनी है। हाँ करनी है सब लोग, ये हम चार काफी है पार्टी। सिकंदर भाई ने कल रात हमें फोन किया था, कहा था कि आपकी बर्थडे जो डेट है वो कल है, तो मैंने इनको मना किया है कि अभी बच्चों काम है डे को बहुत सारे, अगले साल कर रहे हैं लेंगे, जब फिर ब्रा क्या आएगी उसकी कर लेंगे, लेकिन इन्होंने एक एक ही लगा रखी है कि नहीं पार्टी पार्टी करेंगे हम, कल करेंगे, कल पार्टी जरूर करेंगे हम। तो अभी बस अब क्या किया, हसीब कल पार्टी करेंगे ना? हां जरूर करेंगे, ऐसे ना जरूर करेंगे हम पार्टी। हां हसीब भी कहता है कि जरूर करेंगे पार्टी। तो अभी बस क्या किया जाए, आप इनको इजाजत देते हैं जाए और तैयारी शुरू करें पार्टी की। कल पार्टी इंशाल्लाह होगी तो खुश हो जाओ, आप पार्टी है पार्टी तो इंशाल्लाह कल होगी। अब मैंने इजाजत दे दी है क्योंकि बच्चे मान रहे थे, जिद कर रहे थे, तो काफी शोर मचाए थे सुबह से। अभी जो है 12 का टाइम है तकरीबन दिन का, और गर्मियां बहुत ज्यादा गर्मियां आ चुकी हैं, तो वीडियो बाहर तो शूट ही नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो हम अंदर ही अपने कमरे में जो है वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आसिफ बहुत खुश हो रहा है। आसिफ आसिफ इधर आओ मेरे पास आओ, नहीं ध्यान नहीं करते, नुकसान नहीं करते, उधर 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 बात करो, उनको बताओ कि अम्मी की पाल का पार्टी होगी या नहीं होगी, बस डे की पार्टी होगी, पार्टी होगी नहीं होगी, नहीं होगी क्या होगी, पार्टी करें? हाँ मेरे ख्याल में नहीं करते, फिर अगले साल आपकी ना बर्थडे की पार्टी खुद एंजॉय करके करेंगे ना, नहीं करेंगे? अच्छा चलो ठीक है, कहते करेंगे हम पार्टी करेंगे। तो विवाह सर इंशाल्लाह इन्होंने अभी जो है ना केक भी ऑर्डर कर दिया है, तो फिर अब क्या किया जा सकता है, पार्टी तो इन्होंने करनी ही करनी है। माशाल्लाह से दोपहर का टाइम तो गुजर चुका, बच्चों ने काफी हल्ला गुल्ला किया, शोर शराबा किया, और उन्होंने जो है अपनी बात मनवा कर छोड़ी। तो अभी हम अपने घर की रूटीन शुरू कर रहे हैं, और अभी तकरीबन 3 बजे का टाइम है, और अभी हमने ना इधर सफाई शुरू की है, और माशाल्लाह से ना हमारी मुश्किल आसान हो गई है। ये देखिए हमने ना ये लिया है ना, तो क्या बोलते हैं पता नहीं, पता नहीं तो चलो ठीक है जो भी बोलते होंगे, लेकिन हमने ये लिया है और इससे हम सफाई कर लेते हैं माशाल्लाह से। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई होती है, और बहुत ही जल्द सफाई हो जाती है इससे। दरख्त सामने साथ में दरख्त है, तो उसके पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं, तो हमने सोचा है कि सफाई कर ली जाए, और ताकि बारिश आए तो फिर गंदगी ना बच जाए। ये देखिए आपको दिखाते हैं उधर आके, ये ऊपर से दरख्त है और इस दरख्त के ना पत्ते गिरते रहते हैं इधर, तो हमने इकट्ठे कर दिए हैं, और ये हम इसको उठा कर नीचे फेंक देंगे। माशाल्लाह से ना आज मौसम जो है ना वो बहुत ही गड़बड़ वाला बना हुआ है, ऐसे जैसे धुंधला सा मौसम है, और आसमान पर थोड़े थोड़े बादल छाए और तेज़ हवा चलती रही है, इस वजह से शहर में ज़रा गंदगी ज़्यादा फैल गई है हवा की वजह से। तो ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, एक दो दिनों में बता तो यही रहे कि होने वाली है, तो बारिश जब होगी तो फिर हमारा विलास बहुत अच्छा आएगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। बहुत जल्द अल्लाह बारिश देगा, अल्लाह पाक बारिश जल्दी दे माशाल्लाह। अभी बहुत खुश है, कहता है अम्मी की बर्थडे पार्टी है। हैं असे भी बहुत उनको बार-बार मिस कर पाऊं, साफ साफ कैसा गए और आगे उनसे पहले मैं बिल्कुल ठीक हूं, और उनको बताया ना मैंने उनको कल नहलाया था, कल नहलाया था किसको, बालों को, बालों को तेरी शक्ल देखता है
झाड़ू मुकम्मल कर लिया है, तो अभी हम चलते हैं हाथ धोते हैं। और आपको बताते चले कि व्यूअर्स, आज हमने नया जोड़ा सिलवा कर पहना है जो हमें किसी बहन ने गिफ्ट किया था। और उस बहन का पता क्या है सिद्धार्थ? नहीं, उसका नहीं पता। तो अभी तक हमें पता नहीं चला कि किस बहन ने ये भेजे हैं। अगर जिस बहन ने भी ये भेजे हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन हैं और कहाँ रहती हैं और आपने गिफ्ट में भेजे हैं। और ये भी बताना है कि ये आप आज जो हमने आपके दिया हुआ जोड़ा सिलवा कर पहना है, सी कर पहना है, तो आप बताएं कि हमें कैसा लग रहा है। तो अभी हम हाथ धो लेते हैं। तो ये देखें, हमने बेसन भी लगवा लिया है माशाल्लाह से। अच्छा, असर का टाइम होने में कुछ देर बाकी है, तो अभी हम चलते हैं बाहर। खाना हम बाद में आकर बनाएंगे। आज हम आप लोगों को विलेज में लेकर चलते हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आज हम चलते हैं विलेज में। और मेरी काफ़ी बहनों भी मिस कर रही हैं। काफ़ी बहनें कहती हैं कि आप काफ़ी अरसा हो गया अपना विलेज में नहीं गई और हमें अपना विलेज का माहौल नहीं दिखाया। तो आइए चलते हैं विलेज में। और चलते चलते मैंने सोचा है कि आप लोगों को अपने घर का भी विज़िट करा लेती हूँ। तो आइए पहले घर चलते हैं और उसके बाद हम बाहर चलेंगे इलाके में। तो हसीब जो देखो क्या खा रहा है। हसीब, गुड मॉर्निंग हो गया ना हमारी। तो माशाल्लाह से हम आ गए हैं अपने पुराने घर में। नए घर की जो इमारत शुरू हो चुकी है, तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं। ओ, ये क्या किया है आपने? मेरे कपड़े भी सारे गंदे कर दिए हैं, अपने भी सारे गंदे कर दिए। देख नहीं आ सकता, अब ये खराब हो चुका है आपका। वो हाथ में जो पापा लिया हुआ है ये देखे, सारी मट्टी लग गई है। एक मिनट दिखाते हैं आप लोगों को कमरे। पाड़ो तो माशाल्लाह से ये दो कमरे जो है ना, ये तो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। एक ये वाला और एक ये वाला, ये मुकम्मल हो चुके हैं। इसकी छतों का सामान ना अभी आना बाकी है। और उसके अलावा जो है ना, उधर जो कमरा है तकरीबन आधा जो है मुकम्मल हो चुका है। उसके ऊपर लिंटर बांध दिए गए हैं। और माशाल्लाह से हमारे इस पुराने घर में, नए घर की इमारत जो बन रही है, इसमें तकरीबन दो एक माह लगेंगे। इमारत जो है काफ़ी मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन ये नहीं कह सकते बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। जहाँ तक बन सकी वहाँ तक इंशाल्लाह बन जाएगी। तो उसके बाद ना कुछ काम जो है बाकी हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हमने सोचा है कि फिर इसके बाद ना कुछ दो माह के बाद ना हम मस्जिद का काम करेंगे। और उसके बाद मस्जिद का काम जब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद सोचेंगे कि बाकी का काम जो है वो मुकम्मल कराना है या नहीं। थैंक यू। हसीब ने जो हसीब जो है ना साइकिली पर बैठ के आए। चलाओ साइकिली। चौधरी बाबर जो ना है अपनी वीडियो शूट कर रहा है की न्यू भारत मूवी की शूटिंग कर रहा हूँ। जिसको पसंद आए वो मेरे चौधरी बाबर चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से हमारे घर तो इतने करीब नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए काफ़ी दूर दूर तक घर है। ये देखिए आप सामने देख रहे हैं, वहाँ एक घर है और वहाँ आप लोगों को दो यूट्यूबर नज़र आ रहे हैं। वो भी कोई अपनी वीडियो शूट करने में मेरे ख्याल में लगे हुए हैं, क्योंकि विलेज में पहले यूट्यूबर तो मैं थी जो मैं आई फर्स्ट टाइम। और मेरे बाद जो मुझे देख कर ना पूरी आवाम इधर की जो पूरा गांव हमारा जो है ना उठकर यही काम शुरू हो चुका है उनका। और हमें भी काफ़ी तंग करते हैं, लेकिन हम जितना मदद जिनकी कर सकते हैं माशाल्लाह से उनकी करते हैं। क्योंकि हम आगे आए हैं तो हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई और आगे ना आए। माशाल्लाह अल्लाह के करम से आगे आए हैं, वो भी अल्लाह पर एतमाद रखें तो अपने लिए अच्छे अच्छे काम करें, इंशाल्लाह वो भी ज़रूर आगे आएंगे। तो अभी जो है हम आगे चलते हैं। हसीब तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एक वीडियो में ना तीन चार मरतबा सलाम कर लेता है। खड़ा है।
माशाल्लाह से कल की वीडियो आप लोगों ने मिस नहीं करनी, क्योंकि कल हमारी बर्थडे पार्टी है और उस वो पार्टी किस तरह से मनाते हैं हम, आप लोगों ने ज़रूर देखना है, एंजॉय करनी है और हमारी वीडियो कल वाली मिस बिल्कुल नहीं करनी। तो उम्मीद है कि हमारी आज वाली वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं कि अल्लाह ताला हर किसी को खुशियां नसीब करे और हर किसी को सुख दे। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर किसी को हर खुशी, तो हमें भी आप लोगों की दुआओं की जरूरत होती है और हम चाहेंगे आप लोगों से इजाज़त। मिलेंगे कल वाली वीडियो में, पार्टी पर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।